नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, रीट शिक्षक भर्ती 2021-22 को लेकर आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हां दोस्तों, शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने फरवरी में ज्वाइनिंग देने को लेकर सभी से वादा किया है। रीट के सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त करने हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं कि वो सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त करें और जो बाहरी राज्य वाले स्टूडेंट हैं उनको सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त करना है, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी दोस्तों। तो वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। 2018 वर्ष 2021 की फाइनल 2S कट ऑफ के बारे में भी इस वीडियो में बात करूंगा, तो वीडियो को शुरू से लास्ट जरूर देख लेना। साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चैनल पर आपको रीट सच्चा भर्ती की पल पल की अपडेट दोस्तों देखने को मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय लेते वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपका जो है रीट 2021 के प्रमाण पत्र वितरण के बारे में बात कर लेता हूं। तो बोर्ड के द्वारा प्राप्त निर्देशानु रीट 2021 के प्रमाण पत्र प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र रीट की वेबसाइट पर दोस्तों आपके स्टार्ट हो गए हैं, अपलोड की जानी है। आपको उसमें फॉर्म भरना है, ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर डिटेल और सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, यहाँ पर आपको लेवल फर्स्ट लेवल टू दोनों की जो है लिंक दे रखी है दोस्तों। यहाँ से आप जो है रीट सर्टिफिकेट के लिए आवेदन या ऑनलाइन फॉर्म दोस्तों भर सकते हैं। और दोस्तों, भीलवाड़ा व चित्तौड़ा जिले के सर्टिफिकेट दिनांक 18 जनवरी से तथा बांसवाड़ा सीकर झुंझुनू व प्रतापगढ़ के सर्टिफिकेट आपके दोस्तों 21 जनवरी या 19 जनवरी से आपके बटना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि सभी सेंटर पर पहुंच जाएंगे। अब थोड़ी एक नया दोस्तों कट ऑफ पर डाल लेते हैं। कट ऑफ को लेकर काफ़ी सारे स्टूडेंट परेशान हो रहे थे, तो मैं आपको बताएं दोस्तों, इस बार एक तो आपका दोस्तों 90-10 का फॉर्मूला रहने वाला है और कई जगह पेपर आपका लीक हुआ है, ये आपको पता होगा दोस्तों कि पेपर लीक हुआ है इस वजह से, और पेपर आपका सरल भी आया था, ज़्यादा जो पेपर का लेवल था वो हार्ड नहीं था। इस वजह से आपकी कट ऑफ 2018 के मुकाबले कितनी परसेंटेज ज़्यादा रहेगी आप 2018 की कट ऑफ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो 2018 की अगर मैं संसद की कट ऑफ की बात करूं तो संसद में आपकी हाईएस्ट दोस्तों 74.53 देखने को मिली थी, लेकिन इस बार कम से कम इसमें 8 से 10% का इजाफा आपको देखने को मिलेगा। हिंदी में भी दोस्तों आपकी जो है 8 से 10% का इजाफा देखने को मिलेगा, 71% हाईएस्ट रही थी। और बात करूँ अंग्रेजी की दोस्तों, तो अंग्रेजी में भी आपकी जो है 67% रही थी, लेकिन इस बार आपकी 75% अंग्रेजी में रहेगी कट ऑफ। गणित विज्ञान की अगर कट ऑफ की बात करूँ तो यहाँ पर दोस्तों 75% आपको देखने को मिली थी 2018 की भर्ती में, लेकिन इस बार दोस्तों आपकी जो कट ऑफ है वो 83+ या 84 के आसपास साइंस और मैथ की कट ऑफ रहने वाली है। अब मैं बात कर लेता हूं दोस्तों एसएसटी की, तो एसएसटी की भी कट ऑफ जो है साइंस और मैथ के बराबरी देखने को मिलेगी। एसएसटी में पद भी कम है, इसलिए इसमें भी जो कट ऑफ है वो कम से कम 83 या 84 के मध्य आपको देखने को मिल जाएगी। ये 2x गुना कट ऑफ है, इसके बाद आपको जो मेरिट नंबर भी जो है 2x गुना कट ऑफ के साथ जारी होगा, उसी के आधार पर आपका फाइनल सेलेक्शन होगा। अगर आपका नंबर जो मेरिट नंबर है दोस्तों जितनी पोस्ट है आपकी कैटेगरी में उसके अंदर आता है तो आपका सिलेक्शन पक्का है, वरना दोस्तों आपको अगली भर्ती के लिए वेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर अजमेर में आज शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला आए थे, तो रीट सेलेक्टेड टीचर की भर्ती फरवरी में कंप्लीट करेंगे, कोविड से डरे नहीं। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है कि फरवरी तक सभी को ज्वाइनिंग देने का वादा किया है। राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला एक दिवसीय दौरे पर अजमेर पहुंचे थे। अजमेर प्रवास के दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि रीट में सेलेक्टेड टीचर की भर्ती फरवरी में कंप्लीट होगी। वहीं उन्होंने कोविड-19 महामारी को लेकर कहा कि कोरोना से डरे नहीं, केवल सावधानी बरतनी है और जो भर्ती है उसे फरवरी तक पूरा करवा देंगे, तो ये उन्होंने बयान दिया है। हालांकि नेता हैं, बयान देते रहते हैं, लेकिन दोस्तों भर्ती में थोड़ा समय लगेगा क्योंकि 9 फरवरी तक तो आवेदन ही किए जाएंगे और डेट बढ़ भी सकती है। इसके बाद आपकी फाइनल सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट 2x गुना कट ऑफ आएगी दोस्तों, और आपकी एक और लिस्ट जारी की जाएगी, तब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ये पूरा प्रोसेस रहने वाला है दोस्तों। रीट के सर्टिफिकेट के लिए आपको दोस्तों लिंक दे रखी है, उस पर आवेदन करना है। और सर्टिफिकेट दोस्तों आपके जो है, अगर आप बाहरी राज्यों से हैं, आप मान लीजिए कोई यूपी का स्टूडेंट है, तो उसके सर्टिफिकेट आपको भरतपुर या फिर धौलपुर के आसपास ही जो स्कूल हैं उनमें देखने को मिलेंगे, ताकि उनको ज़्यादा परेशानी ना उठानी पड़े और वहाँ से उन्हें प्राप्त करने पड़ेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस है रीट के सर्टिफिकेट को लेकर, लिंक आ चुकी है दोस्तों, एक बार आप उसमें डिटेल देनी है। तो आज की वीडियो दोस्तों आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी, अगर थोड़ी सी भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।